अब देखो ना, कई बार सबके घरों में किसी खुशी के मौके पे बच्चे का जन्म हुआ, विवाह हुआ, किन्नर आते हैं। अब दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं लोगों के अंदर। एक तो ये डर जाते हैं, हाय बहुत बेइज्जती करेंगे भाई, बाहर से बाहर दे दो इन्हें पैसे। और बहुत से ऐसे देखे मैंने, नहीं नहीं घर में बुलाओ, आशीर्वाद दे के जाएंगे बच्चे को। आई एम सो सॉरी टू से लाइक दिस कि वो किसी को क्या आशीर्वाद देंगे, सोचा कभी आपने? उनकी जो परिस्थिति स्थिति है वो आशीर्वाद किस आधार पे दे सकते? चलो कोई भी मनुष्य आशीर्वाद दे सकता है, वो मनुष्य ही है, वो कुछ और नहीं है। लेकिन वो ये कहावत होती है, भैया इन्हें 21,000 रुपये दे दो आशीर्वाद मिल जाएगा। मैंने कहा ये भी बिजनेस करते हैं आशीर्वाद का। वो गुरु जो बैठा है वहाँ पे, वो टीवी वाला, वो भी आशीर्वाद का बिजनेस करता है। इधर घर में माँ बाप भी आशीर्वाद का बिजनेस करते हैं। तो क्या ये सारे आशीर्वाद सत्य हैं? क्या ये जो आशीर्वाद पैसे से मिल रहे हैं क्या ये सत्य हैं? उधर नागा बाबा आ जाएगा, बच्चा मैं देखूंगा, अरे तो 30-35 साल का बच्चा, मैं 55 साल का, ये 30 साल का बच्चा। नागा बाबा, नागा बाबा, हाँ तो क्या करूं? खाना खाना है आदर के साथ, खाना खाना है? नहीं बच्चा। चाय पीनी है? नहीं बच्चा। तो फिर किस लिए आया भाई तू? बाबा को 101 रुपए चाहिए। मैं कहा बाबा 101 रुपए चाहिए? हाँ। ये मेरे लड़के हैं, इनको 300 रुपए रोज मिलते हैं, तूने 100 रुपए बोले, मैं 150 रुपए दूंगा, 4 घंटे काम कर रहे यहाँ पे। नहीं हम तो नागा है। मैंने कहा निकम्मे नागा हो तुम, डरा धमका के पैसे मूंढ रहे हो तुम, तुमको शर्म नहीं आती? एक सांप लेके घूमते हो, डराते हो लोगों को, भोलेनाथ भोलेनाथ करके डरा के लूट रहे हो तुम लोग। उधर किन्नर आते हैं, डरा धमका के गाली गलौज करके आपसे पैसे लूट के ले जाते हैं। उनमें से कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, आएंगे कहेंगे भैया जो देना हो दे दो, आप खुशी से दे दोगे। एक वो आपको कोस के जाएंगे। मैंने कहा जो आपके गेट पे खड़े होकर, आपके पास पैसे इतने सारे नहीं हैं, आप दे सकते हो 5,000 रुपये, वो कह रहे 21,000 दो, और आपकी क्षमता नहीं है, आप उनसे माफ़ी मांग रहे हो, भाई नहीं है पैसे हमारे पे, दिक्कत है, एक लड़की का विवाह होता है और सारा पैसे माँ बाप जैसे तैसे करके बच्चे की शादी में लगा देते हैं, और वो नहीं, उनका सारा बजट ही खराब हुआ हुआ है ऑलरेडी, शादियों में पता नहीं कितना आजकल दिखावे में खर्चा होने लगा, और किन्नर आके और 21,000 रुपये मांग रहा है, जब सब कुछ उसमें लग चुका है शादी में, अभी कर्जा भी देना है, लोन भी ले लिया है, और उसके बाद किन्नर आके कोस के जा रहा है, तेरा ये हो जाएगा, उस शादी के मौके पर कोस के जा रहा है, उसे पैसा दे दोगे तो आशीर्वाद दे देगा। कैसे भ्रमित संसार है ये, जो जो गालियां बकते हैं लोग पैसे के लिए, वो आपको आशीर्वाद दे सकते हैं क्या? जो बाबा निकम्मा कामचोर, जिसको स्वाभिमान का नहीं पता, जिसको समझ लो आत्मसम्मान का नहीं पता, जो आत्मनिर्भर नहीं है, पैसे लेके आपको आशीर्वाद दे के जाएगा? जो माँ बाप ये सोच रहे हैं कि संतान को हमने पैदा किया, बुढ़ापे तक हमारी सेवा करेगा, इसलिए पैदा किया है, क्या वो माँ बाप आशीर्वाद आपको दे पाएंगे? सारे संसार में सब दिखावा, परेड, ढोंगबाजी, इनसे कुछ रखा है क्या? सत्य है, प्रेम नजर आता है कहीं इसमें? आप जा रहे हो सड़क पे, आपको कोई तकलीफ में दिखाई दे गया, एक बूढ़ा इंसान है, 80 साल का है, छोटी सी टोकरी उसके पास है, वो फल बेच रहा है। अगर आप जागरूक हो गए ना, उससे कहोगे ला 2 किलो फल दे दे। कितने हुए बाबा? 200 रुपये। पूछोगे नहीं रेट क्या है, ये समझ में आता है? उस स्वाभिमानी की कदर है जो 80 साल में भी स्वाभिमान है, उसके आगे एक सच्चे का दिल झुकता है कि कितना स्वाभिमानी है, भूखा मरना मंजूर है, शरीर से चला जाता नहीं है, और फिर भी फल बेचकर अपना जीवन यापन करने की हिम्मत करता है, वो श्रद्धनीय है। ऐसे लोगों के पैर छू सकते हो आप। कौन सी जाति होगी, कौन सी बिरादरी होगी, क्या हुआ, कुछ नहीं जरूरत,
उसके 100 ईमान तो देखो 80 साल में भी वो काम करने को तैयार है और कुछ कह नहीं रहा है, याचना नहीं कर रहा है अपने बुढ़ापे का, रोना ही रो रहा है कि बूढ़ा हो गया हूं कैसे करूं, स्वाभिमान में खड़ा है अपने। बिकेंगे बिकेंगे नहीं बिकेंगे कोई बात नहीं, इतने पैसे आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, भूखा सो जाऊंगा कम खा लूंगा। यह है श्रद्धा की बात, यह है स्वाभिमान की बात। उनके पैर छू सकते हो आप ऐसे स्वाभिमानी लोगों के, ये क्या ढोंगबाजी एकदम, आर्टिफिशियलिटी में सब दुनिया गारत हुई रखी है। और ये टट पूंजिए से बाबा कभी किसी घर को कब्जा जमा लेते हैं, उनके यहाँ आते हैं, तू बाबा है तू यहाँ घूम क्यों रहा है शहर के अंदर, अब तुझे गाड़ी भी 20 लाख की चाहिए, तेरे शिष्य भी इतने सारे हैं, तू उन शिष्यों का बाबा किस लिए बना हुआ है, तू क्या दे रहा है, उन्हें भगवान से मिला रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं बाबा है, बुरा मान जाएंगे। अरे ये बुरा मान जाए, मैं तो चाहता हूँ इसकी आत्मा तो जागे बुरा मान के, थोड़ा बुरा तो मान ले, कहीं से बुराई की बात उसके अंदर आत्मा पे लग तो जाए, मैं तो चाहता हूँ इसकी आत्मा पे जाके लगे मेरे शब्द, इसका स्वाभिमान तो जाके, भिखारी कहीं का काय का बाबा है, भिखारी है। नहीं नहीं बहुत अच्छी बात बताते हैं, मैंने कहा टीवी पे अच्छी बात नहीं बताई तो लोग जूते मारेंगे, कौन बेवकूफों वाली बातें सुनेगा। अरे तुम उठाओ किताब, आप रामायण पढ़ना शुरू कर दो टीवी पे, आंसू आ जाएंगे, ऐसे भाव यह लोगे सुनाओगे आप, क्या कथा सुनाई है, ये कथा सुन सुन के क्या हुआ, आप तो अपना रोना रो के वहां आ गए, हल्के होके आ गए, हाँ बहुत अच्छी कथा थी, रो गए आप, अगली बार फिर वहीं जाके खड़े होंगे, फिर रो के आओगे। भैया वो तो आपको कथा वाचक रुला रुला के पैसे कमा रहा है आपसे, उसका तो धंधा ही अनोखा है, आपको रुलाता है पैसे कमाता है, है? देखा ये सारा नाटकबाजी होती है, बड़े कलाकार हैं भैया पूछो मत हाल। और लोग हमारे बहुत सारे ऐसे ऐसे जुड़े लोग हैं अभी भी बहुत भयंकर तौर से भ्रमित हैं बाबाओं वाबाओं के चक्कर में, क्या चलो श्री माता जी ने कहा है मैं अपने आप खींच खाँच के ठीक कर दूंगी, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप ढोंग को क्यों बढ़ावा देते हो कि हम इन्हें सम्मान कर दें, आप कोई सम्माननीय कार्य करें तो सम्मान करो ना, सम्माननीय कार्य तो करें। अब 22 दिसंबर को मोदी जी ने सरेआम झूठ बोल दिया, आप कैसे सम्मान करोगे, प्रधानमंत्री ओपनली झूठ बोलते हैं हमारे, कैसे सम्मान कर लोगे, पीएम होने से सम्मान हो जाएगा क्या, अच्छा मनुष्य होने के नाते सम्मान होगा? जी बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, बोला है वो फिर दूसरा टॉपिक हो जाएगा, पर बोला है। आप ना एक काम करना भाई साहब से सुनना कि मोदी ने झूठ क्या बोला, समर्थक तो नहीं है उनके, अंधभक्त, फिर ठीक है वरना मुश्किल हो जाएगी, फिर ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई सम्माननीय कोई है नहीं, उसका सम्मान करके क्या करोगे। अब हम आते हैं बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में सहज के अंदर आते हैं, वहाँ जाते हैं, सेंटर में जाते हैं, या बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, पता लगता है बहुत बड़े सहज हैं। एक तो पहले ही आपका गला सूख जाए, कैसे जाएं, हमारे चक्र वक्र तो नहीं पकड़ लेंगे, चक्रों को छुपाएं कैसे, वो तो चकरने से जान जाएंगे, शरीर को तो कपड़े से ढक लोगे, चक्रों को कैसे ढकोगे छुपाओगे कैसे, तो जाते नहीं, किसी को आगे कर देते हैं, दूर से स्माइल करके वहीं मिल जाते हैं, भाई चक्कर वक्र ना पकड़ के बता दें, नाड़ी वाड़ी ना पकड़ने, संतुलन मुस्तुलन तो डरता है सहजी आज का, आज आज की तारीख में बड़े बड़े सहजियों से डर लगता है, कुछ पकड़ लिया तो समस्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। 20 साल हो गए अभी भी चक्कर पकड़ते हैं, है? तो ये सब भ्रामक चीजें, ये सब चीजों को हमको अपनी चेतना में देखना होगा कि हमारी चेतना हमसे क्या चाहती है, आखिर हमारी चेतना को किस चीज में कंफर्ट फील होता है। श्री माता जी ने हमको क्या प्रेम नहीं दिया है, हैं? दिया श्री माता जी ने, जब जब हम कमजोर पड़े अंदर से तब तक श्री माता जी ने अपनी अनुभूति नहीं कराई है क्या? हाँ कई सर जी ऐसे हैं जो पहले जो करते आ रहे थे, जिसके
मैं अभी वही तो बोल रहा हूँ। लालच लालच ग्रीड हमारा वेलफेयर होता रहे। माँ जो वेलफेयर करेंगी इस पे विश्वास नहीं है, उस बाबा पे विश्वास है जो जाके आपसे दान दक्षिणा लेता रहता है। वो केवल इसलिए जुड़ते हैं कल्याण हो जाए हमारा। हाँ। खाना पीना मौज मस्ती चलती रहे सारे। एक्चुअली क्या है कि जो प्रोपोगेशन होता है ना, जैसे कि मेरे से कोई सहजी बन, मतलब मेरे से कोई आया, आत्म साक्षात्कार पाया, अच्छा लगा, तो क्या होगा उसके ऊपर, किस चीज़ का प्रभाव होगा? जैसे मेरे अंतःकरण की चेतना होगी उसका प्रभाव उस पर आएगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है कि आपकी चेतना जिस स्तर पर है लगभग उसी स्तर के लोग आपको मिलते हैं नए नए आत्म साक्षात्कार के लिए। विश्व माता जी की व्यवस्था है कि भाई अच्छा, माँ तो बहुत बड़ी एक सारी चीज़ों की, हर चीज़ माँ के पास है, हर स्तर की चीज़ें माँ के पास हैं। तो क्या है कि जिस स्तर का एक मानव आया विश्व माता जी से जुड़ने के लिए, तो मैंने क्या किया, ऐसे उसे अपने उसी स्तर के यंत्र से जोड़ दिया। अब जैसा वो यंत्र माध्यम है वैसे ही उसके अंदर प्रभाव आता रहेगा, कुछ काल तक तो रहता है। अगर उसके अंदर खुद की जागृति आ गई तो समझ जाएगा कि भाई ये जो है ना, अब चलो ठीक है, शिमाते ने प्रारंभिक अवस्था में जोड़ा था, कोई बात नहीं, सम्मान आदि पूरी जिंदगी सम्मान है जिसके माध्यम से हम लोग शिमाते जुड़े हैं, पर उनके पास वो वाली चीज़ों के आंसर नहीं मिले। प्रारंभिक अवस्था में आंसर होते हैं, जैसे शुरू शुरू में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके बाद वो खुद पीएचडी कर लेते हैं। अब उनका क्वेश्चन नहीं होता प्रोफेसर से, अब वो खुद खोज रहे होते हैं और आंसर दे रहे होते हैं, अपने भी प्रश्न हल करते हैं, बच्चों के भी प्रश्न हल करते हैं। कि उन्होंने एक थीसिस लिख दी, अनुभव पा लिया, तो शिवाजी के मार्ग में भी यही चीज़ है कि ठीक है, पहले आप किसी से गाइडलाइन ले सकते हो, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद या सर्टेन स्टेटस के बाद में आपको अपने अंदर खोज करनी होगी। यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ, यू हैव टू डाइव इनटू योर हार्ट, योर हार्ट इज एन ओशन, यू हैव टू डाइव इनटू हार्ट, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि अंदर से क्या क्या महसूस होता है, क्या क्या करता हूँ मैं। ये सारी चीज़ें हमें अपने अंदर से झांकनी है, हमें बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला। और पहचान क्या है, जो सहजी आपको अपने ऊपर निर्भर रखे वो आपका सही मार्गदर्शक नहीं है, वो अपने अनुभव आपको बताता रहे लेकिन आपको शिमाताई से नज़दीक होने के लिए प्रेरित करता रहे अनेकों तरीकों से, तो आपका इंस्ट्रूमेंट जो माध्यम है वो आपका सही है। क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत 18-19 साल का अनुभव है ये। और जैसे जैसे आपके आपकी चेतना विकसित होती जाएगी, आपको ताज्जुब होगा, आपके माध्यम भी बदल के आ जाएंगे नए, उसी लेवल का फिर माध्यम आपको मिलेगा। साथ माध्यम से मेरा मतलब है कि साथ, कोई शेयरिंग करने वाला, कोई आपसे बातचीत करके क्वेश्चन आंसर करने वाला मिल जाता है, ये शिमाते ही प्रोवाइड कराती हैं। या फिर आपके अंदर इतनी मतलब गहनता हो या सक्षमता हो या इतना तीक्ष्ण लगाव हो शिमाताई की चेतना से, शिमाताई से, कि आप डायरेक्ट माँ से चाहे सामने बैठो चाहे अंतःकरण में बैठो, आप उन चीज़ों को माँ से जानने के लिए प्रयासरत रहे तो भी आप विकसित होंगे। अब हम मिस्टेक क्या करते हैं, हम मिस्टेक ये करते हैं, शिमाताई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बता, रास्ता बता दो। हम ये नहीं पूछते कि माँ इन प्रॉब्लम्स को हम टैकल करने योग्य कैसे होंगे, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन मांगते हैं शिवादाई से, और माँ से हमें क्या मिलेगा बहुत अच्छा, परमानेंट एक ट्रीटमेंट या परमानेंट एक सॉल्यूशन कि बेटा टैकल करना सीखो, मैं टैकल करने के रास्ते बता सकती हूँ आपको अंदर से, क्योंकि प्रॉब्लम तो लाखों हैं
अब आप हर प्रॉब्लम के लिए मेरे से पूछते रहोगे, और कितनी तुच्छ सी चीज़ों के लिए, संसार की इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप मेरे से पूछते रहोगे। यू शुड नो हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम, यू शुड लर्न थ्रू मेडिटेशन, यू शुड लर्न थ्रू कनेक्टिविटी, यू शुड लर्न थ्रू कंपैशन, थ्रू माई लव यू कैन लर्न सो मैनी थिंग्स। आई विल गिव यू सो मैनी आइडियाज थ्रू योर डीप इंट्रैक्शन, आपके हार्ट के थ्रू दूंगी, आपकी स्पिरिट के थ्रू दूंगी, बहुत सारे सॉल्यूशन दूंगी। उसको करके देखो, उसको चल के देखो, अंदर ही अंदर आप उसको प्रयोग करके देखो, बहुत कुछ मिलेगा। पर आप तो कहते हो माँ ये प्रॉब्लम आ गई है, अब हल होता तो वो बता भी देगी अगर एक आध बार रास्ता, तो वह कब तक बताएंगी, किन किन चीज़ों के लिए बताएंगी। हर रोज़ एक समस्या खड़ी है संसार में, तो आपको टैकल करना सीखना है, हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम। वो फंडामेंटल चीज़ें आपको सिखा देंगी। जैसे एक होता है ना, ये फॉर्मूला है, हर चीज़ इक्वेशन में फिट बैठ जाएगा। फॉर्मूला शिवाते ने हम सबको दिया है, हर चीज़ का सॉल्यूशन उससे है। ये मैं अनुभव कर चुका हूँ, ये ध्यान में उतर उतर के सिखाया शिवाते ने, मेरी चेतना ने इस चीज़ का अनुभव कर लिया। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक ही फॉर्मूले से। अब क्या करो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बड़े भारी भरकम शब्द नहीं समझ में आ रहे, आत्मा परमात्मा समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, दिल तो समझ में आता ना देसी भाषा में, दिल है, ठीक है। अब दिल के अंदर घुस जाओ, यहाँ घुस जाओ सेंट्रल हार्ट में, और चुप बैठ जाओ, भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो सॉल्यूशन दो कैसे मैं टैकल करना सीखूँ। तो धीरे धीरे जब आप इसके हाथ धो के पीछे पड़ जाओगे हृदय के, तो ये भी कहेगा अच्छा चल ठीक है बता देता हूँ। क्योंकि ऐसा है ना, प्रेम अगर प्रगाढ़ है तो कहते हैं ना परमात्मा को भी आना पड़ता है। प्रेम प्रगाढ़ है, आत्मा के विषाद में चिपके हुए आत्मा, आत्मा तू अंदर है, माने कहा ये गाय कहाँ हो, कैसे हो, क्यों हो, कैसे पता लगे तुम आत्मा हो मेरे अंदर। ठीक है किताबों में तो पढ़ लिया, किताबों से मुझे समझ नहीं आ रहा, माँ के लेक्चर में ही बता दिया, आत्मा पे चित्त रखो, आत्मा के साथ जुड़ो। ठीक है कैसे जुड़े आत्मा के साथ, ठीक है अभी हृदय में टेंशन रख लें, ठीक है, पर कब तक रखें, जब तक समझ में ना आए कि आत्मा है, कब तक रखें, महीनों साल, छः महीने, दो साल, तीन साल, चार साल, दस साल, छोड़ो मत, रोज 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 प्रोबिंग 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 इनसाइड। या दो दिन भी हो सकते हैं, दस साल भी हो सकते हैं, दो दिन भी हो सकते हैं, आपकी चाह जितनी तीक्ष्ण होगी उतनी तीव्रता से आपको अंदर से आभास होगा। तो फिर आता है एक दिन, कुछ नई सी बातें अंदर से आती है, नई यूनिक होती है पर अच्छी सी लग रही होती है, अचानक से आ जाती है, चल के देख जो अच्छा रास्ता मिल जाता, आपको विश्वास होता है ये तो आत्मा से आ रहा है, स्टॉक में था नहीं, ये कहाँ से आया, आइडिया भी नहीं था कहाँ से आया। धीरे धीरे आप इस चीज़ के विश्वस्त होने लगते हो, भाई कोई आत्मा नाम की जो चीज़ सीमा ने बताई थी ये कुछ कम्युनिकेट तो करती है। अब आत्मा के साथ आपका तालमेल होने लगता है। और एक बात अक्सर होती है कि आत्मा की खास पहचान मुझे महसूस हुई, मतलब आप अपने तरीके से लेना, कि ये ट्रेंड से हटकर ही बताती है हर बार, ट्रेंड जो चल रहा होगा वो नहीं बताती, हट कर बताएगी। आज वो डर जाता है, ट्रेंड के खिलाफ मैं कैसे नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, सहजी क्या कहेगा, पर ये ट्रेंड से हट के बताती है। अगर आप इस बात को समझ गए कि ट्रेंड के अंदर ही शामिल नहीं है, तो ट्रेंड कौन सेट करता है, माइंड, और ट्रेंड से परे कौन है, आत्मा, तो फिर आप समझने लगते हो कि ये जो कम्युनिकेशन है ये माइंड से हो ही नहीं सकता, इसकी तो औकात ही नहीं है सब चीज़ समझाने की, हृदय से आता है। उसके बाद बहुत सारी हमारे अंदर में संस्थाएं जो हमारी मदद करती हैं उस चीज़ को प्रगाढ़ करने में, फिर आप 100% विश्वस्त हो जाते हो आत्मा के प्रति, आप विश्वस्त हुए। अब आपका नंबर आता है आत्मा के बाद परमात्मा का, अच्छा माँ आपने तो कहा था परमात्मा हो है अंदर, अब कैसे करेंगे, तो आत्मा एक आपको जरिया मिल गई है, मीडियम बन गई है आत्मा हमारी परमात्मा को महसूस करने का। धीरे धीरे जितना जैसे जैसे आत्मा में प्रकाश बढ़ता जाता है वैसे वैसे आत्मा के साथ जुड़ी हुई चीज़ें भी दिखने लगती हैं धीरे धीरे।
फिर अब कैसे पता लगेगा परमात्मा कम्युनिकेशन है? कैसे पता लगेगा परमात्मा कम्युनिकेशन है? आत्मा तो जनरली मैंने महसूस किया है, आत्मा इंडिविजुअलाइज्ड है, इंडिविजुअलाइज्ड। मैंने बात महसूस की है कि आत्मा से जो आता है वो हमारे इंडिविजुअल के लिए होता है, इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए होता है। और परमात्मा से जो आता है ना वो पर कल्याण के लिए होता है। ये अनुभव महसूस किया, डिफरेंस महसूस किया, पर कल्याण। परमात्मा से कभी आपके कल्याण का कुछ आने का ही नहीं है, पर कल्याण का आएगा कि पर हित कैसे हो। वो आइडिया देंगे, ऐसे करके ध्यान करा दो, वैसे करके ध्यान करा दो। ये महसूस किया उनके साथ, फिर और भी संस्थाएं जागृत हो जाती हैं, सदगुरु ये भी हमारे अंदर, उनकी भी आइडिया आने शुरू हो जाते हैं अलग अलग तरीके से। तो लेकिन सदगुरु भी क्या करते हैं, वो आपके हित की बात थोड़ी सी करेंगे पर ज्यादा हित की बात कल्याण की करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही पर कल्याण था, परमात्मा का स्वभाव ही पर कल्याण था। लेकिन आत्मा चूंकि इंडिविजुअलाइज्ड गॉड है, अवर ओन स्पिरिट इज द इंडिविजुअलाइज्ड गॉड, आत्मा इज द गॉड ऑफ दिस एग्जिस्टेंस, दिस बीइंग, ये जो एग्जिस्टेंस है हमारी मानव के रूप में, उसका भगवान है आत्मा। तो आत्मा कोशिश यही करती रहती है कि आप अपना अहित ना कर लो। आत्मा इस चीज के लिए कंसर्न है कि आप अपना अहित मत कर लेना अज्ञानता में, तो आपको रास्ते बताती है। परमात्मा आपको बताते हैं उसका कल्याण कैसे होगा, समूह का कल्याण कैसे होगा, जागृति कैसे आएगी विश्व में, वो परमात्मा रास्ता बताते हैं। उनके साथ सदगुरु भी होते हैं, क्योंकि जो उन्होंने सदगुरुओं ने किया होता है वो आपको बताते रहते हैं, कुछ आपके अंदर भी नया डेवलप हो रहा होता है। ग्यारहवा गुरु, दस गुरु तो वो, ग्यारहवें आप स्वयं के गुरु। इस तरीके से धीरे 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 अब आपके पास स्वयं के गुरु कैसे बनते हैं, कैसे अनुभव होता हम स्वयं के गुरु हैं। आपके पास अब इतनी सारी संस्थाएं होंगी, एक परमात्मा से भी आ रहा है कम्युनिकेशन, आत्मा से भी आ रहा है, आपके माइंड से भी आ रहा है, आपके ब्रेन से भी आ रहा है, ब्रेन से भी सारी सूचनाएं आ रही हैं। अब आपके अंदर स्वयं का गुरु बनने में क्या होता है कि आप इनमें से छांटते हो कि इस काल परिस्थिति के मुताबिक कौन सी चीज बेहतर है, ये स्वयं के गुरु की पहचान है। सब चीज आ तो गई पर काल परिस्थिति का निर्धारण कौन कर रहा है, आपका स्वयं का गुरु। परमात्मा कालातीत है, सदगुरु भी कालातीत है, आत्मा भी कालातीत है, तो इस काल में कौन है, स्वयं का गुरु। वो भी आपके कल्याण के लिए ही है, पर उसमें एक विवेकशीलता मौजूद है कि आज की काल परिस्थिति मानव को देखकर आपको रास्ता बताता है, पर कायरता कभी नहीं सिखाता है, वीर शूरवीर शक्तिशाली बनाता है, ये स्वयं का गुरु है, भयरहित बनाता है स्वयं का गुरु। क्योंकि अब उसे समझ में आने लगा कि स्वयं का गुरु को ये समझ में आने लगा, इतनी सारी संस्थाएं मेरी मदद कर रही हैं। परमात्मा आपको कभी ये नहीं कहेंगे इस वक्त ये कर ले, तो आइडिया देंगे, चुनाव तेरा है, हर बार यही होता है, चुनाव कर। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि हम अपने डिस्क्रिशन पावर डेवलप करें। जो डिस्क्रिशन पावर है ना वो बेसिकली स्वयं का गुरु ही है आपके अंदर, स्वयं का गुरु है वो। तो कैसा इंटरेस्टिंग सा घटनाक्रम हमारे अंदर चल रहा है, इतनी सारी चीजें हमारे अंदर, अब हम उनको भी समझ रहे हैं, ये परमात्मा ने बताया, ये सदगुरुओं ने बताया, ये देवी देवताओं ने बताया, ये हमारी चेतना ने बताया, ये हमारे माइंड ने बताया, ये हमारी बुद्धि ने बताया, ये हमारे विवेक ने बताया। अब चुनाव कर, ये हमारे आत्म के गुरु के घटनाक्रम प्रारंभ हो गए हैं, स्वयं का गुरु तैयार हो रहा है, साधना से पुष्ट हो रहा है, माँ के आशीर्वाद से फल फूल रहा है, और समर्पण से तो ये निखरता ही जा रहा है। निर्विकल्प इसको सबसे ज्यादा प्रिय है, स्वयं के गुरु को निर्विकल्प बहुत प्रिय है। और स्वतंत्रता तो इसका टेम्परामेंट है, स्वयं के गुरु का टेम्परामेंट स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता प्रिय होता है, वो बंधन में नहीं रहता किसी की चापलूसी नहीं करता,
जो सही है वो सही, जो गलत है गलत, ये स्वयं का गुरु है जो आपके भीतर में पनप रहा है। और आप जान गए हो, आप इस स्वयं के गुरु को भी पुष्ट करने में कहीं ना कहीं इसकी भी मदद कर रहे हो धीरे धीरे, अगर जागरूक हो तो मदद कर रहे हो, और अगर आप जागरूक नहीं हो तो इसी का ही गला घोट रहे हो, दबा रहे हो उसको, नष्ट कर रहे हो उसकी एग्जिस्टेंस को। कैसा लग रहा है ना, किसी फिल्म की स्टोरी सी चल रही हो, है लग रहा है कहानी चल रही है पिक्चर की, इतनी सारी बातें हो गई, ये सब हो गया है ना, पिक्चर की कहानी, हमारे भीतर की पिक्चर की कहानी, भीतर का जो, भीतर के जो कैरेक्टर्स हैं हमारे, उनके क्या क्या रोल हैं होते हैं, है? लगता है कितना मजेदार खेल है ये। हमारा अंतःकरण डिपार्टमेंटल स्टोर है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक है इसमें। अब स्वयं को गुरु की चॉइस होती है कि वो सुई चाहिए उसे, तलवार चाहिए कि हवा हवाई जहाज चाहिए, ये स्वयं का गुरु डिसाइड करता है। और स्वयं का गुरु जब पुष्ट हो जाता है ना, फिर इसे किसी से कुछ जानना नहीं होता, क्योंकि स्वयं का गुरु बन चुका है ना, उसके अंदर ग्रेविटी भी है। गुरु का मतलब गुरुत्व, सिमाता ही ने बताया, ग्रेविटी है उसके अंदर, एक एक क्या कहना चाहिए, अस्तित्व है, भारी भरकम अस्तित्व स्वयं का गुरु। स्वयं का गुरु सारे सदगुरुओं का सम्मान भी कर रहा है, स्वयं का गुरु परमात्मा के आगे नतमस्तक भी है, स्वयं के गुरु की दोस्ती आत्मा से हो चुकी है, चेतना से हो चुकी है, मन से भी हो चुकी है, मन को अब ये मन को इसने रास्ते पर ले आया है स्वयं का गुरु, मन से काम लेना सीख गया है, मन के चंगुल में नहीं फंसता स्वयं का गुरु। अपने अंदर के सारे संस्थाओं, जैसे क्रोध है, नाराजगी है, मतलब क्रोध नाराजगी अनॉयंस है, इनका भी उपयोग करना सीख गया है स्वयं का गुरु, ये क्रोध के चंगुल में नहीं फंसता, ना नाराजगी के पास में फंसता है, इस्तेमाल करता है इन सब चीज़ों का, सारी शक्तियाँ हैं कि कब नाराजगी दिखानी है, कब क्रोध करके दिखाना है, ताकि बहुत सारी चीज़ें ठीक ठाक रहें। तो कहने का मतलब ये है कि जान गया है, उस शैतान को भी पहचान गया, वो राक्षस को भी पहचान गया, वो सबको पहचान गया है स्वयं का गुरु, और अपना रास्ता बना रहा है। उसे ना तो शैतानों से झगड़ा करना है, उन्हें ना राक्षसों को कोसना है, ना उसे निगेटिविटी का बहाना बनाना है, तो अपना रास्ता बना रहा है, चल रहा है। और स्वयं का गुरु क्या कर रहा है, आपकी सोल की मुक्ति का प्रबंध कर रहा है। ये है सोल का गुरु, आपका आपका गुरु वो है स्वयं का गुरु, जो सोल की मुक्ति का प्रबंध करता है। तो पहले मुक्ति का प्रबंध करने के लिए आपको आइडिया देता है, इस चीज़ से भी निकल, इससे भी निकल, इससे भी निकल, इससे भी निकल, इनकी सारी संस्थाओं से बाहर निकल जा, इनके पास से बाहर आ जा, स्वतंत्र हो जा, अपनी इच्छाओं की जो तेरी इच्छाओं की जो लाचारगी थी उससे बाहर निकल, और जो तेरे असंतुष्टियां थी वो तेरे सर पे चढ़ी रहती थी, उसके चक्कर में तू गुलामी करता था, उससे भी बाहर निकल, स्वाभिमानी है, सब चीजों से बाहर निकल, और उसके बाद देख क्या खूबसूरत जिंदगी सीमाताई ने दी है तेरे को, देख सीमाताई ने क्या दे रही है। अब वो स्वयं का गुरु कितना ब्यूटीफुल काम कर रहा है, जो बता रहा है देख माँ ने ये दे दिया, देख कितनी अच्छी चीज थी, देख इसका इस्तेमाल कैसे करेगा ये तू बता। स्वयं का गुरु आपको बता रहा है ऐसे इस्तेमाल करो इस शक्ति का, इस तरीके से ऐसे इंसान को ध्यान कराओ, इस तरीके से ऐसे वाले इंसान को ध्यान कराओ, इस तरीके से ये दिखाओ। और स्वयं का गुरु इमोशनल इंटेलेक्ट में माहिर है, पर स्वयं के गुरु की खासियत है वो दुनियादारी की चीजों में उलझता नहीं है, वो कहता है बेवकूफ ही ठीक हूं मैं, इसके चक्करों में मुझे कोई बेवकूफ कह ले, पागल कह ले, ठीक है, उसकी तो लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य है आपकी जीवात्मा को मुक्त करना, उसका लक्ष्य है आपकी जीवात्मा की मुक्ति का प्रबंध करने के बाद निर्वाण की स्थिति पैदा करना, आपकी जीवात्मा का निर्वाण प्राप्त हो जाए, बारंबार के जन्म लेने से मुक्ति हो जाए। स्वयं का गुरु यहाँ तक आपको पहुँचा रहा है, सारी शक्तियाँ तत्वों का इस्तेमाल करता है, सारे तत्व उसकी सहायता करते हैं, सारी शक्तियाँ उसकी सहायता करती हैं स्वयं के गुरु की।
तो स्वयं का गुरु कैसा महसूस होता है? बड़ा टेम्पटिंग सा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बड़ा हैंडसम है ना स्वयं का गुरु, हर चीज में स्मार्ट। पर वो संसारिक मामलों में बिल्कुल फूलिश है स्वयं का गुरु, क्योंकि वो समझदार बनना नहीं चाहता। उसे पता है संसार में समझदार बनने का मतलब है झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, संसार में समझदार बनने का मतलब है आर्टिफिशियलिटी को अपनाना पड़ेगा, संसार में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए उसे शो ऑफ में से गुजरना पड़ेगा। वो स्वयं के गुरु को बिल्कुल पसंद नहीं है, कदापि पसंद नहीं है। प्रकृति प्रदत्त चीज़ें उसे बहुत भाती हैं, प्रकृति उसे बहुत आकर्षित करती है। पर्वत उस स्वयं के गुरु को आनंदित कर देते हैं और सागर की लहरें उसके हृदय में तरंगित कर देती हैं। ये स्वयं के गुरु में अंदर आनंद आता है इन सब चीज़ों से। वो आर्टिफिशियलिटी से कोसों दूर होता है स्वयं का गुरु। किसी प्रकार की आर्टिफिशियलिटी, झूठ फरेब, डिप्लोमेसी, हिपोक्रेसी, डोमिनेंस, इन सब से परे है। अरे जो स्वतंत्र है वो किसके डोमिनेंस में रहेगा? और जिसको ये पता है ये डोमिनेंस है, वो डोमिनेट कैसे करेगा? जागरूक है वो डोमिनेट ना तो करता है ना वो डोमिनेट होता है। और स्वयं के गुरु का जो संघर्ष है ना, वो मानवीय तुच्छ स्तर की प्रवृत्तियों से जन्म जन्मांतर तक रहता है। स्वयं का गुरु तो किसी का अहित नहीं करना चाहता, पर वो इन प्रवृत्तियों के कारण अहित होने भी नहीं देता। ये खासियत है स्वयं के गुरु की। क्या जगाना है स्वयं का गुरु? यू वॉन्ट टू अवेकन योर स्वयं का गुरु? जगाना चाहते हो? तो कैसे जगाओगे? मंत्र लेने से जाग जाएगा? महामंत्र लेने से? क्यों? शक्तियां जागती हैं तो ये नहीं जागेगा? ध्यान से जागता है, ध्यान से जागता है, परमेश्वरी की ऊर्जा से पोषित होता है, विपरीतताओं से निखरता है, प्रेम से पोषित होता है और सत्यता से तो ये आनंदित रहता है। अगर सत्यता नहीं अपनाओगे तो स्वयं का गुरु जागृत होना भी नहीं चाहेगा। छोड़, क्या तुम्हारे नहीं आता तेरे पास, मैं नहीं जागता, तुमको जरूरत नहीं है मेरी। तो महसूस किया कितना खूबसूरत घटनाक्रम है स्वयं के गुरु का, क्या क्या चीजें हमारे अंदर महसूस होती हैं, कितना मजेदार होता है। अब स्वयं के गुरु के साथ जीना बड़ा आनंददायी है, बड़ी अच्छी कंपनी है स्वयं के गुरु की। ना झुकता है ना झुकने देता है, हजारों रास्ते आपको आत्मसम्मान के सिखाता है स्वयं का गुरु। स्वयं का भी सम्मान करवाता है और दूसरों का भी सम्मान रखता है, ना किसी को अपमानित करता है ना अपमानित करना चाहता है। केवल एक स्वयं के गुरु में एक इच्छा होती है कि मैं तो जाग गया हूं, अब मैं सबके भीतर औरों के भी जगाऊंगा। ये उसकी एकमात्र इच्छा है, जैसे कुंडली की इच्छा है ना, मैं तो जागी हूं, मैं दूसरों की कुंडली भी जगाऊं, उसकी शुद्ध इच्छा है कुंडली मां की। ऐसी स्वयं के गुरु की इच्छा है, अरे मैं तो जागा, मेरे साथ अन्य गुरु जागे, मेरी कंपनी मिल जाएगी सबके स्वयं के गुरु की, बड़ा आनंद आएगा उन कंपनी में, ना कोई झगड़ा ना फंसा, प्रेम ही प्रेम और उसका प्रसाद। सोचो मुक्त चेतनाएं हैं स्वयं के गुरु से आच्छादित चेतनाएं सारे में विचरण कर रही हैं, ना कभी उनके बीच में झगड़ा है, ना कोई प्रतिस्पर्धा है, कुछ नहीं है, बस एक एहसास है, प्रेम का एहसास, बस प्रेम का एहसास और कुछ भी तो नहीं है। और इस एहसास को प्रगाढ़ करने का कार्य है। किस प्रकार से प्रेम का एहसास प्रगाढ़ हो, दिव्य प्रेम का, निर्वाज्य प्रेम का, निर्मल प्रेम का, बस यही रास्ता अपनाता है। और जिससे भी मिलता है ना ये स्वयं का गुरु, तो चाहता है कि हर मानव के अंदर स्वयं का गुरु जागृत हो जाए।
श्री माता जी बड़ी प्रसन्न होती हैं कोई स्वयं का गुरु बनता है, जब उनका खुशी का पारावार नहीं रहता, कहती हैं हाँ अभी मेरा इंस्ट्रूमेंट बन गया है, अब इससे सारे वो कार्य लूंगी जो मैं लेना चाहती हूँ। अब जो गुलाम हैं व्रतियों के, उनसे क्या वहाँ कार्य लेंगे? इतनी बेड़ियों में जकड़े हैं, वो कैसे कार्य करेंगे माँ के? इतने सारे कार्य आत्म साक्षात्कार के करते तो हैं, कॉलर ऊंचे करके समाज में घूमते, हमने आत्म साक्षात्कार दिया। माँ कहती है अच्छा दिया तो मैंने था, अपना ठप्पा लगा लिया। तो ऐसो के जो दूसरों की, जो दूसरों की चीज़ों को अपना बनाकर कहने लगे, वो स्वयं का गुरु कैसे बनेंगे? स्वयं का गुरु तो कहेगा ये माँ ने दिया है, ये सदगुरु ने दिया है, ये आत्मा ने दिया है, ये परमात्मा ने दिया है, ये सुबुद्धि ने दिया है, ये विवेक ने, सबका बता देगा ऐसे 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 आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये स्थिति है हमारे अंदर, ये सारे इसके छोटे छोटे लक्षण हैं स्वयं के गुरु के। अपने अंदर झांकते चलो और अपने अंदर ये महसूस होता रहे भाई शेयरिंग है ये। मैंने कहा ना टीचर तो हमारी माँ है, शेयरिंग है। जो अनुभव रहा वो आप सबके साथ शेयर करता रहा करता रहा करता रहा, आपको अच्छा लगे अपना लेना, जो खराब लगे छोड़ देना। अब कहने को तो वर्कशॉप ऑन अटेंशन है, या अटेंशन कार्य कर रहा है इस वक्त या सोया हुआ है? कहाँ है अटेंशन? स्वयं के गुरु पे नहीं है, बहुत से सहजी साथी कहेंगे यार ये उल्टी सुल्टी कहाँ चुंडू खाने की फालतू सुनाता रहता है, है? और उल्टी सीधे लोगों को बेवकूफ बना रहा है, क्या फायदा हो रहा है अपना टाइम खराब करने आते हैं जाते हैं, अपना समय खराब करते हैं, क्या मिलता है इससे, क्या करा? ऐसा कहेंगे, कहते होंगे। तो अब उन्हें समझ में आ गया होगा मैं कौन से गुरु के साथ चलता हूँ। बड़े परेशान होते हैं, पता नहीं कौन से गुरु से, पुराने दुराने गुरुओं से सीख सीख के सहजों में घुसड़ दी सारी बातें। अगर ये जानेंगे तो समझ में आ जाएंगी कि कोई गुरु गुरु कोई नहीं है बाहर का, सब स्वयं का गुरु है। यही बताता है मुझे क्या लिखना है, क्या बोलना है, क्या समझना है, समझाना है। अभी पता नहीं जागा है नहीं जागा है, पर मुझे आभास होता है। मैं दावे से नहीं कह सकता हूँ, क्या पता ये महामाया हो, फंसा रही हूँ मुझे महामाया, बड़ा ज्ञानी ध्यानी बन गया, चल फंस, उल्टी सीधी बातें कहलवाऊंगी तेरे से, सबका हंसी उड़वाऊंगी तेरी में, फिर तेरी अकल ठिकाने आएगी। महामाया कहती है माँ, मैं कहूँगा माँ आपका बच्चा हूँ, हंसी उड़ा दो मुझे क्या दिक्कत है। अब माँ बाप तो बच्चों की मूर्खताएं देख देख के प्रसन्न नहीं होते हैं, उनके लिए तो आनंद का विषय होता है बच्चों की मूर्खताएं। अच्छा ऐसी बात बोल दी, हाँ देखा क्या बच्चा हमारा बोल रहा है, सुनो सुनो बाकी भी सुनो, देखो बच्चा क्या बोल रहा है, इतना छोटा बच्चा कैसी कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, सुनो सुनो। कहते ना माँ बाप, जैसे हम कहने अरे तेजस कमाल है यार, क्या बोलता है तेजस, सुन सुन रहा है। अच्छा तेजस सारी बातें सुन रहे हो स्वयं के गुरु के बारे में? हाँ जरा बैठ तो जाओ, जरा आप तुमसे बात करनी है। अभी तो पता नहीं अंदर से श्री माता ने क्या भेज दिया, क्या क्या चल गया। अब ये बताओ तुम अभी फोन किया विदर ने, तो कहा कि मम्मा तुम पूरा ध्यान सीख रही हो ना, ठीक है सीख किया ना पूरा, मतलब ना अभी उसने उसने ना क्रेडिट ले लिया तुम्हारे से, उसे तो फ्रीडम मिल गया है ना, अभी बताओ इतनी मुश्किल से स्वतंत्रता मिली है। तेजस ये बताओ